महिला के खिलाफ अपराध में आरोपी का साथ देने वाले आरक्षक को जगदलपुर एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। एसपी दीपक झा ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जगदलपुर के थाना बोधघाट में 20 सितंबर को एक महिला रेप का मामला दर्ज करवाया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए बोधघाट पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करना शुरू किया। इस बीच आरोपियों के परिजन द्वारा लगातार महिला को बयान बदलने के लिए धमकी दी जाती रही। महिला ने आरोपियों को संरक्षण देने की शिकायत पुलिस अधीक्षक दीपक झा से की। पुलिस अधीक्षक ने जांच में पाया कि बोधघाट में पदस्थ आरक्षक आरोपियों की मदद कर रहा है। पुलिस जब आरोपियों को पकड़ने पहुंचती थी तो आरोपी 9-2-11 हो जाया करते थे। जांच में पता चला कि आरक्षक इसकी जानकारी उन तक दिया करता था। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने तत्काल प्रभाव से आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। ये बोधघाट थाने का एक प्रकरण है जिसमें एक महिला के द्वारा कुछ समय पहले 376 IPC के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें अपराध दर्ज किया गया था। अपराध दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इसी प्रकरण में महिला के द्वारा पुनः एक शिकायत किया गया कि जो आरोपी के परिजन हैं उनके द्वारा उनको लगातार अपराध कैमी के बाद से उनको अपना बयान बदलने के लिए धमकी दिया जा रहा है। इस मामले को भी संज्ञान में लेते हुए तत्काल एक अपराध दर्ज किया गया है उन आरोपियों के खिलाफ, और फिर उसकी विवेचना की जा रही है। आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। विवेचना के दौरान विवेचक के द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया कि उसने किसी अपने ही पुलिस थाने के किसी स्टाफ के ऊपर संदेह जाहिर किया कि संभवतः उसकी संलिप्तता है, जिस कारण से आरोपियों को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसकी तत्काल संज्ञान में आते हुए तत्काल हम लोगों ने उसको प्राथमिक जाँच करने के बाद तत्काल उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी विभागीय जाँच की जा रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।